जय भीम। सम्यक न्यूज लाईव्हच्या या विशेष बातमीपत्रामध्ये मी विजय निरंकर आपलं स्वागत करतो। पाहूयात आजच्या सम्यक घडामोडी। आयडियल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोलॉजी, नांदेड आणि लातूर, लीडर इन बायोलॉजी। फिनिक्स मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल अँड क्रिटिकल केअर सेंटर, शिवाजीनगर, नांदेड। आज नांदेड डिविजन के जो सांसद प्रतिनिधि है उनके साथ बैठक थी। ये बैठक हम हर मंडल में करते हैं और सभी सांसदों को बुलाया जाता है और आज यहाँ के मुख्य पांच सांसद इस इलाके के जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो हमारे बैठक में आए थे और उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं और जहाँ जहाँ हमें इम्प्रूव करना है उसके बारे में भी बताया है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स और इसके उसके भी कुछ आइडियाज दिए हैं। जहाँ तक दक्षिण मध्य रेलवे का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नांदेड डिविजन जो है ये मिडवेस्ट डिविजन था पहले और पिछले करीब 1992 में पहला जो मनमाड़ से लेकर औरंगाबाद तक गेज कन्वर्जन हुआ था। इसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में काम होते रहे हैं और जो लास्ट गेज कन्वर्जन हुआ है पूर्णा और कोला के बीच में 2008 में और अभी एक सेक्शन बचा हुआ है अकोला अकोट से लेके खंडवा तक। और ये गेज कन्वर्जन होने से इस क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी है पूरे देश से बन गई है और आज इस क्षेत्र से नांदेड से लेके जम्मू कड़ी तक, नांदेड से लेके संतरागाछी तक, पटना से लेके पुणे तक तरह तरह की गाड़ियां चल रही हैं और अब ब्रॉडगेज होने के बाद पॉसिबिलिटीज आर इनॉर्मस। तो गाड़ियां कहीं कहीं भी आप चालू कर सकते हैं जो कि आपकी कनेक्टिविटी बनी हुई है और इस क्षेत्र का अभी विद्युतीकरण भी होने वाला है। तीन एरिया के वर्क्स जो है अभी अवार्ड हो चुके हैं, अकोला से लेके पूर्णा तक, आदिलाबाद से लेके मुखेल तक, परभणी से लेके परली तक और मनमाड से लेके जो मुखेल तक का है उसका इस महीने के आखिर में टेंडर फाइनलाइज होगा। तो विद्युतीकरण के लिए ही ये पूरा क्षेत्र कवर हो चुका है और अगले दो तीन वर्ष में ये काम पूरे हो जाएंगे। जहां तक डबलिंग का सवाल है, 80 किलोमीटर जो है परभणी से लेकर मुखेल ये काम सेंक्शन हो गए हैं और इसमें 50 किलोमीटर हम लोग चालू भी कर चुके हैं। बचा हुआ 30 किलोमीटर जो है हम इसको जनवरी महीने तक कंप्लीट करेंगे। उससे 80 किलोमीटर की जो डबलिंग हो जाएगी तो ट्रैफिक मूवमेंट में सुविधा हो, जो पोर्शन इस मनमाड़ से लेके सिकंदराबाद तक का जो रूट है ये सबसे सैचुरेटेड पोर्शन है, डबलिंग होने से यहाँ पे मूवमेंट में आसानी होगी। बाकी डबलिंग जो है अभी सैंक्शन नहीं है, उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे और वो आने वाले वर्षों में उस पर काम शुरू होगा। इसके अलावा लगातार इस क्षेत्र में स्टेशन जो एबिलिटीज है, पैसेंजर एबिलिटीज है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। सभी जगह हमारे पूरी रेलवे में नांदेड डिविजन को मिला सब जगह एलईडी लाइटिंग हो गई है। फुटओवरब्रिज भी जो है रेलवे ने पॉलिसी ली है कि जहां भी पैसेंजर गाड़ी रुकती है वहां हाई लेवल प्लेटफॉर्म, फुटओवरब्रिज और कवर्ड ओवर प्लेटफॉर्म, कवर्ड पोर्शन ये बनाया जाएगा। पहले की ज्यादातर स्टेशनों में रेल लेवल के प्लेटफॉर्म होते थे और मेट्रिकल जब था तो प्लेटफॉर्म का हाइट जो कम होता था, अब ये सब बढ़ाए जा रहे हैं तो करीब 27 हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स और 15 फुट ओवर ब्रिज नए बन रहे हैं। और इसके अलावा
27 हाई लेवल प्लेटफॉर्म और 15 फोटोवोल्टेज का काम चल रहा है इस गांधी डिवीजन में। लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स भी लग रहे हैं। लिफ्ट्स और एस्केलेटर्स जो है करीब 754 स्टेशन है साउथ सेंट्रल रेलवे में, 538 स्टेशन में हाई स्पीड वाईफाई लग गया है और 900 डिवीजन खासतौर से पूरे 71 स्टेशन जो है यहाँ पे उन सब में वाईफाई लग गया है। जहां तक लिफ्ट और एस्केलेटर्स का है, अभी यहाँ पे 7 लिफ्ट और 7 लिफ्ट 4 स्टेशन पे लगे हुए हैं और 6 एस्केलेटर 3 स्टेशन में लगे हैं। अभी 9 लिफ्ट 6 स्टेशन में और 2 एस्केलेटर 2 स्टेशन में इसका काम चल रहा है। जहां तक नई गाड़ियों का सवाल है, काफी गाड़ियां यहां से चालू की जा चुकी है और अभी और बहुत कई गाड़ियों की जरूरत है। पूरी डिमांड को हम मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की मीटिंग से पता चला और आप लोगों से भी जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ की जो मेन रिक्वायरमेंट है, यहाँ से मुंबई के लिए जितनी गाड़ियां काफी गाड़ियां चल रही है, अच्छे गाड़ियां चल रही है डेली, लेकिन सफिशियंट नहीं है, इसमें इसको अपडेट करने की जरूरत है। तो एक ओवरनाइट ट्रेन की और जरूरत है। तो आज जो माननीय सांसद ने जो सुझाव दिया, एक तो राजधानी को ब्रह्मांड से लेकर नांदेड़ तक एक्सटेंड करने के लिए, इसके लिए हम लोग हमने प्रपोजल भेजा हुआ है और हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जल्द मान लिया जाएगा। दूसरा मुद्दा है नई गाड़ी चलाने का। यहाँ से बॉम्बे में सैचुरेशन है सेंट्रल रेलवे में नई गाड़ियां लेने के लिए, हम कोशिश करते रहेंगे लेकिन कब होगा ये हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा नांदेड़ पुणे के लिए एक गाड़ी चल रही है, आज माननीय सांसद ने उसके बारे में एक गाड़ी कि कोई जर्नी टाइम काम करने के लिए और एक गाड़ी और चाहिए। अरे पीछे लोगों को जरा साइलेंट बनाओ, आपको बोला नहीं लोगों को। और आपके डिवीजन के अंदर जो है आपके मूवमेंट के लिए औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ तक की एक गाड़ी हमने शुरू की थी स्पेशल के तौर पर और ये बहुत अच्छी चली, पब्लिक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहा है, इसमें कोचेज और बढ़ाए गए। इसके अलावा अकोला से लेकर औरंगाबाद तक और आदिलाबाद से लेकर औरंगाबाद तक की भी डिमांड है, इसको भी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। गाड़ियां अधिक चालू करने के लिए हमेशा ये मेंटेनेंस फैसिलिटी की बात होती रही है, मतलब हम मेंटेनेंस फैसिलिटी बनाना जरूर चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ और चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम औरंगाबाद में बनाएंगे तो हमें वुडशेड शिफ्ट करना पड़ेगा और वहां पर प्रिटेन फैसिलिटी बन सकती है, इसी तरह से आदिलाबाद में भी बन सकती है, कुछ दो तीन लाइन में वहां भी बन सकती है, जलना में बन सकता है, पूर्णा में एक लाइन है उसको हम करवा रहे ताकि हम लंबे गाड़ियां जो है उस पर 18 कोच की गाड़ियां हम मेंटेन कर पाए। तो हम हमारी कोशिश रही कि इनमें से कुछ हम फाइनलाइज करके काम शुरू करें। हाँ, और एक गेज कन्वर्शन वर्क भी यहाँ चल रहा है जो अकोला से खंडवा है, अकोला अकोल तक का जो 42 किलोमीटर है उसको हम इस वर्ष ही पूरा कर लेंगे, फरवरी माह महीने तक हम उसका उद्घाटन करना चाहते हैं। अकोल के आगे जो है उधर टाइगर रिजर्व है मेन घाट, तो नेशनल वाइल्ड लाइफ सोसाइटी से हमें वो क्लियरेंस नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था, क्योंकि बीकानेर लाइन तो वहां पहले भी चल रही थी। अभी जो उन्होंने स्कैन किया है कि ये टाइगर रिजर्व में लाइन बनाना ठीक नहीं होगा, वो चाह रहे हैं कि हम लोग डाइवर्जन करें, लेकिन डाइवर्जन करने का मतलब है कि करीब 29 किलोमीटर की लाइन हमें और बिछानी पड़ेगी और उसके लिए टनल बनाना पड़ेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आएगा, जमीन हमें और एक्वायर करनी पड़ेगी। सबसे सुविधा यही होगी कि एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट पे ही हम बना पाए, तो
कोशिश कर रहे हैं कि परमिशन मिल जाए तो वो काम भी शुरू कर देंगे, और खंडवा से लेकर अमरपुर तक जो है उसका काम भी चल रहा है। तो ये दो प्लेटफॉर्म हो जाएगा, और बीच में जो अकोला से लेकर अमरपुर तक का पैसा 74 किलोमीटर, इसको कंप्लीट करने में समय लगेगा जब तक ये वाइल्ड लाइफ का इश्यू सॉल्व आउट नहीं हो जाता। इसके अलावा कुछ स्टेशन पे सिक्योरिटी के बारे में कुछ इश्यूज डिस्कस हुए, खासतौर से परभणी और पूर्णिया एरिया, तो वहां ऑपरेट करेंगे। अभी हमारे आरपीएफ में नया रिक्रूटमेंट हुआ है, जीआरपी की स्ट्रेंथ अभी बढ़ने के लिए कमी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन आरपीएफ को हम ऑपरेट करेंगे, सीसीटीवी कैमराज वगैरह और जगह लगाएंगे, और जहां जहां चोरी होती है उस पर नजर रखी जाएगी और कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इसके अलावा स्टेशन पर पार्किंग की सुविधा के बारे में भी बात हुई है, वहां पे कुछ कंप्लेंट्स हैं कि इतना बेल ऑर्गेनाइज नहीं है, तो पार्किंग टैक्स जो है उसको हम जैसे बड़े स्टेशन है औरंगाबाद या जालना नगर, यहाँ पे जो पार्किंग एरिया उसको प्रॉपरली डिजाइन करेंगे ताकि बैरियर्स आ जाए बीच में, और जो ड्रॉप एंड गो जोन है प्लस टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स सबका सेग्रीगेशन हो जाए, और ताकि ढंग तरीके से लोग अपनी गाड़ी पार्क कर सकें, और पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमें प्लेसमेंट लाने पड़ेंगे, उसमें भी कुछ दिक्कतें आती हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्ट्स ठीक वही बातें कंट्रेल कर जाते हैं। एक और बड़ा मुद्दा रेलवे के सामने है कि जो मानव रहित पाठक को हमने बंद कर दिया, अब मानव सहित पाठक जो है नाइन क्रॉसिंग लाइन को भी बंद करने की बात हो रही है, इसका भी काम काफी तेजी से चल रहा है। नांदेड़ डिवीजन में भी करीब हमें 25 करने हैं इस साल, अभी केवल 3-4 कर पाए हैं, लेकिन कई इसके लेवल क्रॉसिंग से हम लोग बॉक्स कास्ट कर चुके हैं, बॉक्स कास्ट करके इसको पटरी के नीचे बैठाना पड़ता है, उसको कट एंड कवर मेथड से करना होता है या पुश करके करना होता है, तो ये काम बाकी है भी इसको करेंगे। इसके बारे में कुछ सुझाव आए थे कि ड्रेनेज जहाँ बने भी हैं या वहाँ कुछ ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स हैं, तो ड्रेनेज की प्रॉब्लम्स भी स्टडी की जाएगी, जो जो जहाँ जहाँ हम लोग रोड अंडरब्रिज बना चुके हैं उसके डिजाइन में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है, और इसका मैन लेवल क्रॉसिंग्स का एलिमिनेट करने का, हमारी पूरी रेलवे में 153 में से हम लोग करीब 59 कर चुके हैं इस साल, और अगले 4 महीने में 4.5 महीने में हमें करीब 100 करने हैं, तो हमारी कोशिश है कि हम पूरे टारगेट मीट कर पाए। कंप्लीट हुए एलिमिनेशन ऑफ मैन क्रॉसिंग आरयूडी रोड अंडरब्रिजेस बनाए हैं, बस हमने माननीय सांसदों के साथ सुझाव सुने, और हम यही कहना चाहते हैं कि साउथ सेंट्रल रेलवे की पूरी टीम इन सब कामों में लगी हुई है, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी जनता की डिमांड है और हम हमारे प्रोजेक्ट सैंक्शन है और हम इसमें काम कर सकते हैं उसमें पूरे जोर लगाएं, और जल्दी से जल्दी टारगेट्स को मीट करने की कोशिश करें, और जितनी डिमांड है उतनी तो हम जो एस्पिरेशंस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कोशिश ये है कि जो भी मुनासिब है हमारे कंट्रोल में है उसको हम पूरा करेंगे, और जो हमसे नहीं हो सकेगा उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, जो मंत्रालय स्तर पे इश्यूज सॉल्व आउट होंगे वो मंत्रालय स्तर पे ही होंगे। मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ आने के लिए, और हम लोग साथ आपने व्यूज सवाल पूछना चाहते हैं तो सर अभी आपने ये बताया कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने जा रहा है, पूरा नहीं होने जा रहा है, हाँ, लेकिन अभी एमपीज ने ये बताया है कि 2018 में ही उसको बंद किया गया है वो प्रोसेस को इलेक्ट्रिफिकेशन को। नहीं,
नहीं, अभी 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 एमपीज ने बताया है, एक इशू जो उन्होंने बताया था कि मनमाड़ से लेके धोन तक का डबलिंग का काम जो है पहले कभी प्रपोज किया गया था उस समय जो है इसको मनमाड़ से लेके मरवली तक का डबलिंग जो है वो शेयर कर दिया, मतलब शेयर मतलब अभी के लिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह इसलिए था क्योंकि रेलवे के प्रोजेक्ट में करीब 15% का रिटर्न होना चाहिए, 15%, तो 50% रिटर्न तभी आ पाता है जब आपके पास फ्रेट ट्रेन चला के कमाई हो। जब तक आपके मिनरल रिच या इंडस्ट्रियल रिच एरिया ना हो इतना रिटर्न मिलना मुश्किल हो जाता है। केवल पैसेंजर ट्रैफिक अगर आप चलाते हैं तो आपका जो रिटर्न है 3-4% से ज्यादा नहीं आता। सर पिछले 10 साल या 15 साल से डिमांड हो रही है कि नांदेड़ से पुणे जाने के लिए जो रेलवे है वो बढ़ानी चाहिए, उसका टाइम कम करना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बीच में कुछ रेल बढ़ाए थे, फिर वो अभी ये साल में अभी कुछ कैंसिल भी कराए गए हैं, ये क्या मामला है? और हमेशा ऐसा आरोप किया जाता है आपके डिपार्टमेंट के ऊपर कि जो प्राइवेट्स जो बसेस है प्राइवेट ट्रैवल्स वाले उनकी ओर से आपको कुछ रिश्वत मिलती है, या ऐसा एक्स चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया है क्लियर, और अभी इसके पहले भी ये चर्चा हो चुकी है सर, तो क्यों नांदेड़ और पुणे के बारे में आप उतना सीरियस नहीं है? नहीं, हम आपके सभी सुझाव के लिए सीरियस हैं और गाड़ी चलाने के मामले में हम किसी के दबाव में नहीं है। कोई प्राइवेट ऑपरेटर रेलवे गाड़ी को गाइड नहीं कर सकता गाड़ी नहीं चलाने के लिए, ये भूल जाए। फिर गाड़ी क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चलती है इसके कारण है, बताइए। गाड़ी क्यों नहीं चलती है? लाइन कैपेसिटी अगर नहीं हो, हमारे बड़े वाले रेलवे कोई वजह से एक्सेप्ट नहीं करो। अभी बॉम्बे में आपको मालूम है कि खास सेक्शन में वहाँ 3 लाइन है, उसमें से 1 लाइन बंद पड़ी है, तो वो 2 लाइन पे जो 3 लाइन का ट्रैफिक है वो चला रहे हैं, इसीलिए गाड़ी हमें कैंसिल करनी पड़ी थी बीच में, उनके वहाँ काम हो रहे हैं, गाड़ी को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा पूरा। तो ये कारण आप लोगों को पता नहीं लगते, इसलिए आप लोग बोल देते हैं कि मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग मराठवाड़ा रीजन के लिए जो है बिल्कुल लगेज है आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए सभी रेलवे सभी रेलवे बराबर है और हम किसी के दबाव में नहीं है, और गाड़ी चलाने के हम आपके जो एक्स्ट्रा ट्रेन की डिमांड है वो भी हम हमेशा ध्यान रखते हैं, हम प्रपोजल बनाकर भेजते हैं। आज आज जो मीटिंग हुई डीएम लेवल पे जो पाहता सम्यक न्यूज लाइव बातमी पाहण्यासाठी यूट्यूब वर सब्सक्राइब करा,